फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले 2019 में आने वाली अपकमिंग साउथ हिंदी डब मूवीज के रिगार्डिंग। इस लिस्ट में टोटल 22 मूवी है और इन मूवीज की डबिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है और इनमें से ज्यादातर मूवीज के ट्रेलर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि 2019 में आने वाली अपकमिंग साउथ हिंदी डब मूवीज कौन कौन सी है। तो इस लिस्ट में पहली मूवी आती है वेलाइकारन। वेलाइकारन 2017 की तमिल लैंग्वेज मूवी है। एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है घायल खिलाड़ी। इस मूवी के डायरेक्टर थे मोहन राजा और इस मूवी में लीड एक्टर है शिव कार्तिकेयन और नयनतारा। ये मूवी स्टार गोल्ड पे रात को 8 बजे 6 जनवरी 2019 को आने वाली है और शायद उसी रात को गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगी। इस लिस्ट में दूसरी मूवी है भरत आने नैनू। भरत आने नैनू 2018 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है और इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है डेसिंग सीएम भरत। इस मूवी के डायरेक्टर थे कोटला शिवा और इस मूवी के लीड में थे महेश बाबू और कियारा आडवाणी। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए जी नेटवर्क के पास। तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर होगा जी सिनेमा पे। उसके बाद ये मूवी आपको जी फाई ऐप या जी फाई के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में तीसरी मूवी आती है राजा द ग्रेट। राजा द ग्रेट 2017 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर थे अनिल रविपुड़ी और इस मूवी के लीड में थे रवि तेजा और मेहरीन पीरजादा। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स के पास। अभी तक राजा द ग्रेट का हिंदी डब वर्जन नाम कोई फिक्स हुआ नहीं है और ये 2019 में आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है बाला कृष्णुडु। बाला कृष्णुडु 2017 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। ये एक रोमांस और एक्शन से भरपूर मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया कन्हैया एक योद्धा। इस मूवी के डायरेक्टर थे पवन मलेला और इस मूवी के लीड में थे नारा रोहित और रेजिना कसांद्रा। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए आरडीसी मूवी के पास। आरडीसी मूवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको 2019 में ये मूवी देखने को मिलेगी। आरडीसी मूवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अभी भी आपको इस मूवी का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है उन्नाडी ओकाटे जिंदगी। उन्नाडी ओकाटे जिंदगी 2017 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया नंबर वन दिलवाला। नंबर वन दिलवाला के डायरेक्टर थे किशोर तिरुमुला और इस मूवी के लीड एक्टर थे राम पोथिनेनी, लावण्या त्रिपाठी और अनुपमा परमेश्वरन। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स के पास। तो ये मूवी आपको 2019 में गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है इरुम्बू थिराई। इरुम्बू थिराई 2018 की तमिल लैंग्वेज मूवी है। एक टेक्निकल एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। इस मूवी के डायरेक्टर है पी एस मित्रन और इस मूवी में लीड में थे विशाल, अर्जुन सरजा, समंता अक्किनेनी। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स के पास। तो ये मूवी आपको गोल्डमाइंस टेलीफिल्म्स पर ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है साहो। साहो 2019 में आने वाली मच अवेटेड इंडियन मूवीज में से एक है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। ये 3 लैंग्वेज में बन रही है, तेलुगु, तमिल और हिंदी। इस मूवी के डायरेक्टर है सुजीत और इस मूवी के लीड में है प्रभास, श्रद्धा कपूर, अरुण विजय, नील नितिन, मुकेश। ये मूवी का बजट करीबन 300 करोड़ है और ये मूवी 2019 में 15 अगस्त को देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है साक्का पोडू पोडू राजा। साक्का पोडू पोडू राजा 2017 की तमिल लैंग्वेज मूवी है। ये एक कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा से भरपूर मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है सांता। इस मूवी के डायरेक्टर थे जी एल सेतुरमन और इस मूवी के लीड में है शांतनम, वैभवी और विवेक। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए आरकेडी स्टूडियो के पास। तो ये मूवी आपको ऑफिशियली यूट्यूब पे आरकेडी डिजिटल नाम के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है अम्मम्मा गारी इल्लू। अम्मम्मा गारी इल्लू 2018 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। इस मूवी का हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है नानी माँ। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है। इसके डायरेक्टर थे सुंदर सूर्या। इस मूवी के लीड में नागा सोर्या, सामिली, सुमित्रा और राव रमेश। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए आरकेडी स्टूडियो के पास। तो इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर होगा आरकेडी डिजिटल नाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो इस लिस्ट में आने वाली अगली मूवी है शंकराभरणम। शंकराभरणम 2015 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। एक क्राइम कॉमेडी मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है इंटरनेशनल राउडी और इस मूवी के डायरेक्टर है उदय नंदनावनम और इस मूवी के लीड में निखिल सिद्धार्थ, नंदिता राज और अंजलि। और इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए जी नेटवर्क के पास।
तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर होगा जी सिनेमा के चैनल पे। वैसे तो ये मूवी 2018 में जी इंटरनेशनल पे आ चुकी है। तो इस लिस्ट में अगली मूवी आती है मिस्टर चंद्रमौली। मिस्टर चंद्रमौली 2018 की तमिल लैंग्वेज मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है डेसिंग खिलाड़ी। ये एक स्पोर्ट एक्शन मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर थे थीरू और मिस्टर चंद्रमौली मूवी के लीड में थे गौतम कार्तिक, रेजिना कसांद्रा। गौतम कार्तिक इससे पहले मेरा दुश्मन नंबर वन, रंगून, एक जबरदस्त फाइट प्लान जैसी मूवीज हिंदी डब में आ चुकी है। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट्स खरीदे न्यू एज सिनेमा ने। तो इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर होगा न्यू एज सिनेमा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है आता। आता 2017 की मूवी है। ये तेलुगु और कन्नड़ दोनों लैंग्वेज में बनी हुई है। तेलुगु लैंग्वेज में इसका नाम आता रखा गया है और कन्नड़ लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया है ओइजा। इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया आता द गेम ऑफ फियर। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार रेड्डी और इस मूवी के लीड में थे भरत, श्रद्धा दास और गायत्री अय्यर। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुआ है बॉली किक के पास। तो ये मूवी आपको 2019 में बॉली किक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में अगली मूवी आती है कृष्णम्मा कालीपिंडी इद्दरिन्नी। कृष्णम्मा कालीपिंडी इद्दरिन्नी 2015 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया वोल्टेज 420। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसके डायरेक्टर थे आर चंद्रू और इस मूवी के लीड में थे सुधीर बाबू और नंदिता राज। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए आरकेडी स्टूडियो के पास। तो ये मूवी आपको यूट्यूब पे ऑफिशियली 2019 में आरकेडी डिजिटल नाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में अगली मूवी आती है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट 2018 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है धर्मा भाई। इस मूवी के डायरेक्टर थे वीवी विनायक और इस मूवी के लीड में थे साई धर्म तेज और लावण्या त्रिपाठी। इंटेलिजेंट के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए आदित्य मूवीज के पास। तो 2019 में ये मूवी आपको आदित्य मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में अगली मूवी आती है विक्ट्री 2। विक्ट्री 2 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है। इसका हिंदी डब वर्जन नाम सेम रखा गया है। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर थे हरी संतोष और इस मूवी के लीड में थे सरन, अस्मिता सूद और साधु कोकिला। सरन की इससे पहले रामबो 2 नाम की मूवी हिंदी डब में बाजीराव द फाइटर 2 के नाम से Z5 ऐप या Z5 वेबसाइट पे ऑफिशियली अपलोड हो चुकी है। ये मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए RDC मूवी के पास। तो ये मूवी आपको RDC मूवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 2019 में देखने को मिल जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है क्रेजी बॉय। क्रेजी बॉय 2016 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है। ये एक एक्शन रोमांटिक मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन नाम सेम रखा गया है। इस मूवी के डायरेक्टर थे महेश बाबू और इस मूवी के लीड एक्टर है दिलीप प्रकाश और आशिका रंगनाथ। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड हुए आरकेडी स्टूडियो के पास। इस मूवी का ट्रेलर ऑफिशियली आरकेडी डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे अभी अपलोडेड है। ये मूवी 2019 में आरकेडी डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में अगली मूवी आती है हुच्चा 2। हुच्चा 2 2018 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन नाम सेम रखा गया है। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके डायरेक्टर थे ओम प्रकाश राव और इस मूवी के लीड एक्टर थे डार्लिंग कृष्णा और श्राविया। ये मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट हुए RDC मूवी के पास। इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर RDC मूवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको अभी देखने को मिल जाएगा और ये मूवी 2019 में RDC मूवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। इस लिस्ट में अगली मूवी आती है जुआ। जुआ 2018 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है इश्कबाज गुंडा। ये एक ड्रामा एक्शन मूवी है जिसके डायरेक्टर थे त्रिकोटी पेटा और इस मूवी के लीड में है रंजीत, पलक लालवानी और सप्तगिरी। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट हुए है सिनेकॉन मूवीज के पास। इस मूवी का हिंदी डब वर्जन आपको 2019 में सिनेकॉन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो इस लिस्ट में अगली मूवी आती है ओन्नाई गर्ल झाकिर अदाई। ओन्नाई गर्ल झाकिर अदाई 2018 की तमिल लैंग्वेज मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है इंसाफ की जंग। ये एक हॉरर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर थे JPR और इस मूवी के लीड में कबाली विश्वनाथ, ऋत्विका और ए वेंकटेश। इस मूवी का हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट हुआ है RDC मूवी के पास। इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब ट्रेलर अभी RDC मूवी के चैनल पे अभी देखने को मिल जाएगा और ये मूवी 2019 में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में अगली मूवी आती है लाची। लाची 2017 की तेलुगु लैंग्वेज मूवी है।
इसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है आत्मा का खेल। ये एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर थे ईश्वर। इस मूवी के लीड में है जयती, तेज दिलीप और रघु बाबू। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट हुए आरडीसी मूवी के पास। इस मूवी का ऑफिशियल यूट्यूब ट्रेलर अभी आरडीसी मूवी के यूट्यूब चैनल पे अभी देखने को मिल जाएगा और ये मूवी 2019 में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में अगली मूवी आती है विसल। विसल 2013 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन नाम रखा गया है नित्या एकराज। एक सस्पेंस से भरपूर मूवी है और ये एक सुपरनेचुरल थ्रिलर मूवी है। इसके डायरेक्टर थे प्रशांत राज और इस मूवी के लीड एक्टर है चिरंजीवी सरजा और प्रणीता सुभाष। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट्स खरीदे न्यू एज सिनेमा ने। इस मूवी का ट्रेलर अभी न्यू एज सिनेमा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अभी देखने को मिल जाएगा और ये मूवी 2019 में उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में आखिरी मूवी आती है टाइगर गली। टाइगर गली 2017 की कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है जिसका हिंदी डब वर्जन नाम भी सेम रखा गया है। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर है रवि श्रीवास्तवा और इस मूवी के लीड में है सतीश निनासम और भावना राव। इस मूवी के हिंदी डब वर्जन राइट सोल्ड आउट हुए हैं आरडीसी मूवी के पास। तो इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर 2019 में आरडीसी मूवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस मूवी का ट्रेलर अभी भी आरडीसी मूवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो अभी तक ये कन्फर्म 22 मूवीज है जो 2019 में आने वाली है। ये सभी मूवी की हिंदी डबिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। और भी नई साउथ इंडी डब मूवीज की जानकारी के लिए और अपकमिंग साउथ इंडी डब मूवीज के रिगार्डिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।